नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। गुजरात के अंदर आपको आसानी से 100 सीटें मिल जाती हैं, मगर फिर भी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृहमंत्री अमित शाह लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे। क्या यह शॉर्टकट की राजनीति नहीं थी? मध्य प्रदेश में जनादेश मिला था कांग्रेस को, मगर कुछ ही महीनों में आपने वहां पर सत्ता पलट दी। क्या वो शॉर्टकट की राजनीति नहीं थी? आप 5 साल इंतजार नहीं कर सकते थे? महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार चल रही थी, मगर फिर एकनाथ शिंदे और शिवसेना के जो विधायक थे उन्हें डरा धमकाकर आपने वहां सत्ता पलट दी। क्या वो शॉर्टकट की राजनीति नहीं थी? क्या आप 5 साल इंतजार नहीं कर सकते? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष शॉर्टकट की राजनीति करती है। सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 2/3 विधायक हैं, मगर फिर भी शुभेंदु अधिकारी जैसे जो विधायक हैं भाजपा के, वो कहते रहते हैं कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी चुनाव हो जाएगा। क्या ये शॉर्टकट की राजनीति नहीं है? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। आज मैं मुद्दे आपके सामने क्यों लेकर आया हूं दोस्तों, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र में थे दोस्तों, और एक मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि विपक्ष को शॉर्टकट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो शॉर्टकट की राजनीति नहीं करेंगे तो जनता उन्हें वोट देगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री, मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में, इस देश के इतिहास में किसी ने शॉर्टकट की राजनीति की है तो वो आपने की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने की है, और उसकी मिसाल अभी अभी मैं आपको दे चुका हूं। मैं चाहूंगा सबसे पहले दोस्तों आप सुने प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे। आप मुझे बताइए दोस्तों, शॉर्टकट की राजनीति क्या होता है? शॉर्टकट की राजनीति होता है जब जनता किसी और को जनादेश दे और साम दाम दंड भेद से फिर भी आप सत्ता हासिल कर लें। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इसे प्रमाणित किया है। याद कीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। शिवराज सिंह चौहान एक भरी सभा में कहते हैं कि हमें फरमान सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आया था, इसलिए कमलनाथ की सरकार को गिराना जरूरी था, वरना प्रधानमंत्री की नाक कट जाती। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान के शब्द थे एक भरी सभा के अंदर। और फिर आपको लगता है कि शॉर्टकट की राजनीति विपक्ष खेलता है। सबसे बड़ी बात, शॉर्टकट की राजनीति की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? जब राजनेता धर्म का इस्तेमाल करे। और आप मुझे बताइए, धर्म का बेजा इस्तेमाल कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा सबसे ज्यादा धर्म का बेजा इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दर्शन के लिए जाते हैं तो 10 कैमरे उनके आसपास खड़े रहते हैं, और उस पूरे दृश्य को, उस पूरे मंजर को कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा होता है, लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा होता है। तो राजनीति में धर्म के शॉर्टकट का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कौन कर रहा है? मैं आपको बता दूं, चूंकि वो महाराष्ट्र के अंदर थे दोस्तों, और
महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने प्रधानमंत्री के इस शॉर्टकट की राजनीति पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है। और प्रियंका चतुर्वेदी जो कि पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, पार्टी की सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि शॉर्टकट की राजनीति की नसीहत प्रधानमंत्री किसी को ना दें, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी और आपने खोखा के जरिए सरकार को पलट दिया और अब एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है। 39 विधायकों में जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, ऐसे कई विधायक हैं जिन पर ईडी के केसेस थे, प्रवर्तन निदेशालय के केसेस थे, उस डर के जरिए, उस खौफ के जरिए सत्ता को पलट दिया गया। प्रधानमंत्री से एक सीधा सवाल, यह डर की राजनीति नहीं है, यह शॉर्टकट की राजनीति नहीं है, तो आखिर क्या है? गुजरात के चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री भरी सभा में कहते हैं कि कांग्रेस आतंकवादियों का साथ देती है, कांग्रेस आतंकवादियों के प्रति इसलिए नर्म है क्योंकि कांग्रेस समुदाय विशेष के वोट्स जो हैं वो नहीं खोना चाहती। यानी कि सीधे तौर पर मुसलमानों को जोड़ दिया आपने आतंकवाद के साथ। और ये ना भूलें, देश के गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आते हैं और 2002 की याद दिलाते हैं कि 2002 में हमने दंगाइयों को ऐसी सजा दी कि वो आज तक दंगा नहीं कर पाए, और फिर वो कुछ मुसलमानों के नाम भी लेते हैं। सब जानते हैं कि जब वो दंगे हुए थे तो सबसे ज्यादा तादाद में किस समुदाय के लोग मारे गए थे। मगर इस तरह से मंच पर भड़काऊ बयान देना, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते रहना और चुनाव आयोग पूरी तरह से उस पर खामोश रहता है, मुझे बताइए ना प्रधानमंत्री, यह शॉर्टकट की राजनीति नहीं है तो क्या है? आपको एक और खबर देता हूं दोस्तों, जो शॉर्टकट की राजनीति की सबसे ज्यादा शर्मनाक मिसाल है। खबर आपके स्क्रीन पर, इंडियन एक्सप्रेस की खबर यह है कि निर्भया फंड, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसका मकसद था कि महिलाओं को सुरक्षा देना, आप जानते हैं महाराष्ट्र में उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। एकनाथ शिंदे के जो 40 विधायक हैं उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है निर्भया फंड के पैसे से। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस पर इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है। इस खबर के मुताबिक 220 बोलेरोज, 35 अर्टिगाज, 313 पल्सार बाइक और 200 एक्टिवाज जिनकी कीमत 30 करोड़ थी, और ये 30 करोड़ उठाया गया था निर्भया फंड से, उसके जरिए इन वाहनों की खरीद की गई ताकि शिंदे के विधायकों को सुरक्षा दी जा सके। मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर है, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि दरअसल शर्मनाक और शॉर्टकट की राजनीति कर कौन रहा है। खबर आपके स्क्रीन पर, निर्भया फंड के तहत मुंबई पुलिस की खरीदी गई गाड़ियों का इस्तेमाल इस साल जुलाई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों के लिए किया गया। इंडियन एक्सप्रेस में छवि खबर के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से निपटने के लिए ये गाड़ियां खरीदी गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल नेताओं की सुरक्षा देने में किया गया। अखबार आगे क्या कहता है आपके स्क्रीन पर, अखबार कहता है कि इस साल जून में मुंबई पुलिस ने 220 बोलेरो और 35 अर्टिगा गाड़ियां, 313 पल्सार मोटरसाइकिल, 200 एक्टिवा स्कूटर खरीदे थे और इसकी कुल कीमत है 30 करोड़ रुपए। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 2013 में निर्भया फंड जो है उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बनाया था, और इसका मकसद क्या था कि निर्भया फंड तमाम राज्य सरकार इस्तेमाल करें ताकि उसके जरिए महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। मगर अब उस निर्भया फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के विधायकों को सुरक्षा देने के लिए, वाई प्लस सिक्योरिटी देने के लिए। यह कौन सी राजनीति हुई मोदी जी, आप बताइए मुझे। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया है और शिवसेना ने भी कड़ा प्रहार किया है। क्या कहना है इस मुद्दे पर सचिन सावंत का आपके स्क्रीन पर, क्या सत्ताधारी विधायकों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या उन औरतों को बचाना जिन पर खतरा मंडराता है? क्या इन विधायकों को अबला विधायक बुलाना चाहिए? यह नहायत ही शर्मनाक है कि निर्भया फंड का इस्तेमाल
विधायकों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे आपके स्क्रीन पर, यह शर्मनाक है। एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के लिए, कुछ सत्ता के भूखे लोगों के लिए निर्भया फंड को के जरिए राज्य को पीछे ले जाया जा रहा है और यह सर्कस बदस्तूर जारी है। ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये निर्भया फंड आता है केंद्र से। ये निर्भया फंड वजूद में आया था 2013 को और अब उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में विधायकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सीधा सवाल है मेरा, ये जो खबर, जो दावा इंडियन एक्सप्रेस कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का? इसे प्रधानमंत्री किस राजनीति में रखना चाहेंगे, शर्मनाक राजनीति में, शॉर्टकट राजनीति में, या जन सरोकार की राजनीति में? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब देने होंगे, क्योंकि मुख्यधारा का मीडिया दोस्तों इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। कितनी बड़ी खबर है आप बताइए, निर्भया फंड का इस्तेमाल विधायकों को सुरक्षा देने के लिए, इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है? मगर फिर भी पूरा मीडिया इस पर खामोश है। पूरा मीडिया जो है जय जयकार कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो मेट्रो की सवारी कर रहे थे। देखिए ये टूलकिट, देखिए दोस्तों, इनके जो तमाम पालतू पत्रकार हैं, श्वेता भट्टाचार्य, विकास भदौरिया, अमन चोपड़ा, तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं, सब इस तस्वीर को दिखा रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो हैं मेट्रो में चढ़ने के लिए टिकट ले रहे हैं, जैसे न जाने कितना बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने। कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि निर्भया फंड का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है एमएलएस को सुरक्षा देने के लिए। सीधा सवाल, आखिर ये पालतू पत्रकार क्यों खामोश हैं? क्या इस पर तल्ख टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, कटघरे में नहीं रखा जाना चाहिए बीजेपी को? खामोशी क्यों? मगर हम इस मंच पर खामोश नहीं रहेंगे, सवाल बदस्तूर उठाते रहेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।